नमस्कार दोस्तों, झारखंड मौसम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रांची समेत झारखंड के विभिन्न जिलों में बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में ठंडक, बादलों के आगे के साथ परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। तो अगर आप भी झारखंड में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप झारखंड के किस जिले, गांव, क्षेत्र में रहते हैं। तो दोस्तों, मौसम विभाग की माने तो उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ झारखंड के कई जिलों में बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी है, तो कई जगहों पर भारी बरसात को लेकर अलर्ट है। मौसम खराब रह सकता है, उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ परिवर्तन भी देखा जा रहा है। मौसम विभाग की ताजी जानकारी के मुताबिक इस समय बताया जा रहा है कि झारखंड में भारी बरसात ने उफान पर ला दिए नदियां और कई जगहों पर छह जिलों में दोस्तों टूटकर बारिश के साथ बदरा बरस रहे। मौसम विभाग की माने तो झारखंड में जो ना भारी बरसात के साथ चेतावनी, अगले 24 घंटों के दौरान कई इलाकों पर भारी भयंकर बरसात होगी। आज जो है ना झारखंड में गुमला, खूंटी, रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा जिलों के विभिन्न हिस्सों में भारी बरसात को लेकर अलर्ट है। और वही गढ़वा, पलामू, लातार, लोहरदगा, रांची के अलग अलग हिस्सों में भारी बरसात को लेकर ऑरेंज अलर्ट है। इसी के साथ मौसम विभाग ने सुबह के कई इलाकों पर जोरदार बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। रांची मौसम विभाग की माने तो कई क्षेत्रों में परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है। जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो कई जगहों पर उतार चढ़ाव के साथ बदलाव देखा जा रहा है। कल से कई जगहों पर परिवर्तन हुआ। मौसम विभाग की माने तो कल से उतार चढ़ाव के साथ परिवर्तन हुआ, साथ में रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो, कुंटी में भारी बरसात को लेकर अलर्ट है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। आज राज्य के पश्चिमी भागों में खासकर गढ़वा, पलामू, लातार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा जिलों में यहां पर जो है भारी बरसात की संभावना, इन क्षेत्रों में गंभीर स्थिति बनी रहेगी। उतार चढ़ाव जारी, तो कई जगहों पर मौसम खराब रहने के आसार भी जताए जा रहे हैं। रांची समेत बादलों के आगे के साथ बदलाव भी देखा जा रहा है, उतार चढ़ाव भी जारी है। और झारखंड में कई जगहों पर इतनी ज्यादा बरसात हुई कि दोस्तों पानी पानी और बिजली चमकने के कारण कई जगहों पर खतरे वाली बरसात से जो है जान माल का नुकसान भी देखने को मिला। इसीलिए सावधान रहे, सतर्क रहे, बिना वजह घर से बाहर ना निकले, पेड़ के नीचे ना रुके और बिजली के खंभों से दूर रहे, क्योंकि बरसात कई हिस्सों में यह जो है जानलेवा साबित हो सकती है। और इसी के साथ दोस्तों बादलों की वजह के साथ खास करके रांची, रामगढ़, खूंटी, सिमडेगा, गुमला में भारी बरसात को लेकर हाई अलर्ट है और भारी बरसात की संभावना। लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह और पूर्वी सिंहभूम में येलो अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों कई जिलों में रुक रुक कर भारी बरसात हो सकती है, इसी दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी, साथ ही ठनका गिरने को लेकर चेतावनी है। कुछ जगहों पर मौसम साफ था, लेकिन रांची में भी हल्की बरसात के साथ उतार चढ़ाव जारी है। पिछले दो सप्ताह में राज्य में अच्छी बरसात हुई, लेकिन दोस्तों हालांकि अभी सामान्य से 15% कम बरसात दर्ज की गई है। सामान्य बरसात 913 मिलीमीटर होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक केवल 779 मिलीमीटर बरसात हुई। लेकिन आने वाले दिनों में अच्छी बरसात होती है तो देखना होगा कि यह भी कोटा पूरा होते हुए नजर आ सकता है। वहीं रांची समेत बादलों की वजह के साथ आज भी हाई अलर्ट जारी किया गया, भारी भयंकर बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी है। मौसम विभाग की माने तो आज जो है ना खास करके रांची, रामगढ़, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लातार के कुछ इलाकों पर अत्यधिक भारी बरसात को लेकर हाई अलर्ट है। इसी दौरान राज्य के अन्य इलाकों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिम बंगाल में बना गहरा निम्न दबाव और व्यापक हो चुका है, अगले 24 घंटों के दौरान झारखंड से होकर गुजरेगा। इस तूफान के कारण दोस्तों दक्षिणी हिस्से से होकर गुजरने के कारण इन इलाकों में ज्यादा बरसात की संभावना व्यक्त की गई। रुक रुक कर बरसात होगी, राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में घने बादल छाएंगे। इसी दौरान उतार चढ़ाव के साथ कई जगहों पर बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी तो अलर्ट भी जारी किया गया। रांची समेत आसपास के इलाकों पर विभिन्न हिस्सों में दो तक अच्छी बरसात के आसार है। अगले 24 घंटों के दौरान कोलान और इसके आसपास के इलाकों पर भारी बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट है। साथ में चेतावनी भी जारी की गई। झारखंड का मौसम मिला जुला है। राजधानी रांची की बात कर लेते हैं तो रांची में भी दोस्तों जो आज भारी भयंकर बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट है। लगभग पूरे एक सप्ताह तक जो है ना रुक रुक कर बरसात जारी रहेगी, कुछ जगहों पर हल्की तो कुछ जगहों पर मध्यम बरसात जारी रहेगी। आपके यहाँ पर भी बरसात हो रही है, हमें कमेंट करके जरूर बताना। वही दोस्तों एक एक जिले की बात की जाए तो लोहरदगा में रात के समय 22-23, दिन में 24-25 डिग्री तापमान रहेगा। बादल छाएंगे, बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की मान तो पूरे के पूरे लातेहार में जो ना रात के समय 24-25, दिन में 26-27, दो दिन भारी भयंकर बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक रहेगा और दो दिन भारी बरसात भी होगी, बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में ठंडक भी रहेगा, उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी है। कोडरमा में दोस्तों 24-25 रात के समय, दिन में 26-27, तीन दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है, बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट है। आज रात को दोस्तों भारी भयंकर बरसात की गतिविधियों के साथ कोडरमा में मंगलवार तक बरसात जारी रहेगी, जिसमें कई क्षेत्रों में बदलाव होगा, तो कई क्षेत्रों में बदलाव आने के साथ परिवर्तन होगा। खूंटी में 22-23 रात के समय, दिन में 24-25, पूरे 7 दिन अच्छी खासी बरसात होगी। बादलों के आगे के साथ परिवर्तन भी है, बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी भी जारी की गई। मौसम में बदलाव होगा और मौसम मिला जुला रहने को लेकर चेतावनी है। जामताड़ा में 25-26 रात के समय, दिन में 26-27, तीन दिन अच्छी खासी बरसात होगी, बादल छाएंगे, बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक और बादलों के आगे के साथ परिवर्तन है। हजारीबाग में 22-23 रात के समय, दिन में 24-25, तीन दिन अच्छी खासी बरसात होगी, बादलों के आगे के साथ परिवर्तन है, उतार चढ़ाव भी जारी रहेगा, बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी। मौसम में ठंडक और बादलों के आगे के साथ परिवर्तन के साथ उतार चढ़ाव जारी रहेगा और तीन दिन तक आज रात को दोस्तों भारी भयंकर बरसात होगी। गुमला में दोस्तों तीन दिन अच्छी खासी बरसात होगी, जिसमें आज रात तक भारी बरसात हो सकती है, बादलों के आगे के साथ परिवर्तन,
और झमाझम बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक रहेगा, बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी और मौसम में ठंडक भी देखने को मिल रहा है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर पूरे के पूरे जो है गोड्डा में दो दिन अच्छी खासी बरसात होगी। बादल छाए रहेंगे, बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक है, बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ मिला जुला मौसम रिकॉर्ड किया जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों गिरिडीह के मौसम की बात की जाए तो गिरिडीह के मौसम में बदलाव है। तीन दिन अच्छी खासी बरसात होगी, बादल छाए रहेंगे, बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट भी जारी किया गया। मौसम में ठंडक और बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन रहने को लेकर चेतावनी और मौसम में ठंडक के साथ बादलों की आवाजाही के साथ बदलाव है, तो कुछ जगहों पर मिला जुला मौसम रह सकता है। यहाँ पर दोस्तों गढ़वा में आज अच्छी खासी बरसात और बिजली चमकेगी, बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक है, बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन उतार चढ़ाव जारी रहेगा। मौसम में ठंडक और मौसम मिला जुला भी देखने को मिल सकता है। इसी के साथ दोस्तों पूरे के पूरे जो है यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम के मौसम में बदलाव है, बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक और बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन होगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि दोस्तों पूरे के पूरे जो है दुमका के मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी रहेगा, बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक रहेगा, मौसम मिला जुला रहेगा और बरसात की गतिविधियों के साथ परिवर्तन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर पूरे धनबाद में तीन दिन अच्छी खासी बरसात होगी, बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है, बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक और बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन होगा। वही दोस्तों यहाँ पर देवघर के मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी, बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक और बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन, मौसम ठंडा सोना देखने को मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों मौसम विभाग की मान तो यहाँ पर पूरे के पूरे जो है बोकारो में बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक रहेगा, बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ मौसम में ठंडक रहेगा। यहाँ पर दोस्तों चतरा में दो दिन अच्छी खासी बरसात होगी, बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट भी जारी किया गया। सिमडेगा में 24-25 रात के समय दिन में 27-28 चार दिन हल्की तो शुक्रवार तक तेज बरसात और बिजली चमक सकती है, बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट है। खरसावां की बात की जाए तो 24-25 रात के समय दिन में 27-28 शुक्रवार तक भारी बरसात और बिजली चमकेगी, बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक और झमाझम बरसात को लेकर चेतावनी है। सरायकेला में 25-26 रात के समय दिन में 26-27 आज अच्छी खासी बरसात होगी, बादल छाए रहेंगे, बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट भी जारी किया गया। मौसम में ठंडक रहेगा, बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी है। साहिबगंज में 27-28 रात के समय दिन में 30-31 दो दिन अच्छी खासी बरसात होगी, बादल छाए रहेंगे, बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट भी जारी किया गया। मौसम में ठंडक और बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन है और झमाझम बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी है। राजधानी रांची में 23-24 रात के समय दिन में 24-25 आज अच्छी खासी बरसात होगी, बादल छाए रहेंगे, बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट भी जारी किया गया। मौसम में ठंडक रहेगा, बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी है। इसी के साथ रामगढ़ में 24-25 रात के समय दिन में 26-27 बरसात होगी, बादल छाए रहेंगे, बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट भी जारी किया गया। मौसम में ठंडक है, बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन के साथ उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। पलामू में 24-25 रात के समय दिन में 26-27 तीन दिन अच्छी खासी बरसात होगी, बादल छाए रहेंगे, बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। लगभग दोस्तों एक सप्ताह बरसात होगी जिसमें आने वाले तीन दिन तक भारी भयंकर बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी है। पाकुड़ की बात की जाए तो 27-28 रात के समय दिन में 27-28 दो दिन अच्छी खासी बरसात होगी, बादल छाए रहेंगे, बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट भी जारी किया गया। मौसम में ठंडक और बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन और मिला जुला मौसम रहेगा। आप झारखंड के किस जिले, गांव, क्षेत्र में रहते हैं कमेंट करके जरूर बताना।